फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं एक गाउन की स्लीव्स और फिटिंग करने जा रही हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। ये बहुत घेर का है फ्रेंड्स, ये देखिए। और जिसका बनाना है, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसकी फिटिंग, एकदम बहुत पतली लड़की है उसकी, जिसका ये फिटिंग करना है। और ये 38 साइज़ का है और वो 30 साइज़ की है। तो फ्रेंड, चलिए हम कैसे इसकी फिटिंग करते हैं, देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका इधर से और सिलाई से लेके सिलाई तक नाप लेना है कितना है। तो ये हमारा 36 आ रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें क्या करना है, जितना हमें फिटिंग करनी है उसको नाप लेना है। तो मुझे 31 का फिटिंग लगाना है फ्रेंड्स। तो 31 मेरा इधर हो जाएगा क्योंकि डबल है, 15.5 पर हो जाएगा। तो उसका डबल 31 हो जाएगा। और बाकी जो बचा उसमें, ये देखिए फ्रेंड्स, 2.5 इंची बच गया। तो 2.5 में मैं 1.25 इंची दोनों तरफ निशान लगा दूंगी इस तरीके से। ये देखिए, 1.25 इंची का इधर से सिलाई से निशान लगा दिया और 1.25 इंची इधर से भी सिलाई से निशान लगा लूंगी, ये देखिए। उसके बाद हमें कमर का निशान लगाना है फ्रेंड्स। तो कमर इसकी इसकी 27 है फ्रेंड्स। और अब हम पहले इसका मेजरमेंट ले लेंगे। इसका ये 34 है, तो मुझे 27 करने के लिए ये हो गया 26, यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हमें नाप लेना है कि कितना आ रहा है। तो ये देखिए, 3.5 के करीब मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है। देखिए, पहले निशान लगा लेना है, निशान मतलब उधर इंची टेप रख के टोटल देख लेना कितना बचा। फिर जो दोनों में बीच, दोनों के अंदर डिवाइड, इधर भी उतना ही, इधर भी, टोटल को हाफ हाफ कर लेना है। जैसे कि देखिए, 1, 2, 3, ये मेरा 3 इधर बच गया और 1/2 इंची इधर, तो 3.5 बच गया। 3.5 को हमने आधा आधा किया तो 1.25 के करीब आ गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं 1.25 इधर ले लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरा कमर का मार्जिन आ जाएगा, ये सिलाई से इधर लेना है, ये 1.25 हो गया, ये देखिए फ्रेंड्स। और नीचे मैं नहीं लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसके नीचे जो हिप्स है ये घेर वाला ही सुंदर लगेगा। तो मैं कमर थोड़ा सा ऊपर ही रखूँगी, 14 पे रखते हैं, तो मैं 13 पे ही रख लूँगी, जिससे कि मैं इसको इस तरीके से नीचे उतार सकूँ फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे मैं उतार लूँगी। अब देखिए, इसको हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। मगर एक चीज़ और बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए क्या करना है इसमें हमको। स्लीव्स, जब हम स्लीव्स नहीं लगाते हैं फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना होता है, जो स्लीव्स का घेरा है उसको नाप लेना होता है दोनों तरफ, और लूजिंग रहनी चाहिए। या तो फिर इससे हमें 1 इंची, बहुत पतले हैं तो 1 इंची, या फिर 1.5 इंची का मार्जिन रखना होता है फ्रेंड्स। तो मैं 1 इंची दोनों तरफ रखूंगी, इससे हमारी जो स्लीव्स की फिटिंग होती है वो एकदम एकदम फिट आती है और उसी से वो अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब हम देर ना करते हुए इसकी फिटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, पक्का करेंगे, धीरे धीरे इसमें मिला लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, और हम इस तरीके से इसको पकड़ेंगे नीचे से, अंदर से हाथ डाल करके, जिससे कि मैं इसकी जो बराबर फिटिंग है वो कर सकूं। ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर से हाथ करके, ये देखिए, इस तरीके से यहाँ तक लेके आऊंगी, जिससे कि ये प्रॉपर फिटिंग आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से, ये अभी क्या करना है। सबसे पहले अभी मैं दोबारा फिटिंग का लगा रही हूँ, जिससे कि अगर लूज अगर टाइट रहे तो हम दोबारा से कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए फ्रेंड्स, इसके अंदर हम सिलाई लगा लेंगे, साथ साथ में धागे कटिंग करेंगे, जिससे कि फिनिशिंग आ जाए।
एक सिलाई और लगाऊंगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमको इस तरफ भी निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये निशान ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ हमारा फिटिंग का निशान आया है, स्लीव्स नहीं है, इसलिए हम इसको इसमें मिला लेंगे जिससे कि प्रॉपर फिटिंग आए, और फिर अंदर हाथ डाल के कम 2 या 3 इंची नीचे लेकर हम फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स जहाँ मैंने निशान लगाया हुआ है उधर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए पहले आपको अच्छे से मेजरमेंट लेके सिलाई लगानी है फ्रेंड्स, उसके बाद ही आपको अच्छे से फिटिंग करनी है, नहीं तो उतने फिनिशिंग से। ये देखिए मैंने अंदर हाथ डाला है, अंदर हाथ डाल करके इसको एकदम अस्तर के थोड़ा सा बराबर करते हुए जिससे कि दोनों पीस बराबर हो जाएं और नीचे कोई सलवट वगैरह ना आए, इस करके मैंने नीचे हाथ डाल करके उस कपड़े को इस तरीके से कर लिया है फ्रेंड्स। एकदम प्लेन अच्छे से अरेंज करना है, नहीं तो नीचे प्लेटें आ जाएंगी और फिर हमारी फिटिंग अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए फिर से मैंने एक बार फिर ट्राई की हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं दूसरी वाली सिलाई डालूंगी, ये देखिए, जिससे कि अगर वही कुछ प्रॉब्लम आती है फिटिंग में कभी बाद में भी हमारे काम आता है फ्रेंड्स, थोड़ा लूज टाइट रह जाए तो हम लूज कर सकते हैं, इसलिए ये दूसरी सिलाई डाली है। अब मैं एक तीसरी भी डाल देती हूँ। ये देखिए तीनों हो गए हैं, साथ साथ ही हमको धागे कट कर लेने चाहिए क्योंकि उसी से हमारा देखने में अच्छा लगता है, नहीं तो वो धागे इधर उधर लटकने से भी फिनिशिंग नहीं आती है। यही सब चीज़ें ज़रूरी हैं फ्रेंड्स जिससे कि देखने में काम आपका अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने कर लिया है, अब मैं इसको सीधा करती हूँ और सीधा करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे फिटिंग हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी फिटिंग एकदम अच्छी हुई है। ये देखिए ध्यान से, इस मैंने सोचा था पहले कि इसको स्लीव्स है मगर इसको स्लीव्स नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं स्लीव्स नहीं लगा पाई। ये ध्यान से देखिए फ्रेंड्स इसकी फिटिंग हो गई, बहुत 38 साइज का था, फिटिंग करना ही बड़ा। ये देखिए कमर की भी फिटिंग एकदम बराबर हुई है देखिए, और नीचे घेरे की भी कहीं भी कोई सलवट वगैरह नहीं आई है। ये देखिए ध्यान से एकदम प्रॉपर फिटिंग आई है फ्रेंड्स। ये देखिए इसी तरीके से आपको अगर स्लीव्स भी लगानी है तो आप लगा सकते हैं, और अगर आपको ये चोली भी छोटी करनी है तो फिर कभी कोई और वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर लॉन्ग चोली है तो आपको शॉर्ट चोली कैसे बनानी है फ्रेंड्स।